गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के दिन की शुरुआत हुई थी हमारी, हमारे छोटे से गार्डन एरिया को, हमारे प्लांट्स एरिया को ठीक करने की। और यहाँ मैं मेरे जो गार्डनर है राजू, उसको बता रही थी कि हमको किस तरीके से एक बेल है जो बहुत बढ़ गई थी उसको ऊपर चढ़ाना है। तो सबसे पहले मैंने इस एरिया को पूरा क्लीन करवाया और गमलों की हालत बहुत ख़राब हो रखी थी, बहुत ज़्यादा पत्ते झड़ रहे हैं, तो वो सब की कटिंग करी पहले उसने। एंड देन उसके बाद वहाँ से ये सारे गमले उठा उठा के बाहर रखे, उस एरिया को फ्री किया, फिर सारा उसने कचरा वहाँ से झाड़ के हटाया। और उसके बाद यहाँ से जब ये सब हटा दिया और सारी ग्रास एकदम क्लीन हो गई, तब उसके बाद हमने ये जो हमारी बेल बहुत बढ़ गई थी और बहुत डेलिकेट बेल है ये, ज़रा सा ज़ोर से हाथ लगाते ही टूट जाती है पूरी भरी लंबी बेल, तो बहुत डेलिकेसी से ही हमको इसके साथ ट्रीट करना था। और आपस में इतनी ज़्यादा उलझी हुई थी कि एक एक इसकी बेल के पार्ट्स को अलग कर करके फिर मैंने इसको पकड़ाया राजू को धीरे धीरे, और दूसरी साइड से जा जा के मैंने बांधा, कभी उसने बांधा, इस तरीके से करके हमने पूरा हमारे ये जो ग्रास एरिया है ऊपर का, इस पर इस बेल को सेट किया। बहुत टाइम लगा, कितनी देर तक ये धीरे धीरे धीरे, क्योंकि एक तरफ से पकड़ रहे हैं दूसरी तरफ से जाके बांध रहे हैं, एंड फाइनली वी डिड इट। ठीक है, अब वो तुलसा जी तो उधर से हटेगा। फिलहाल का मेकओवर थोड़ा सा जो हुआ है, इतना हुआ है कि बेल को वहाँ ऊपर तक चढ़ा दिया है, बांध दिया है पीछे से, आर्टिफिशियल बेल भी इधर कर दी है, और ये ऊपर वाले प्लांट्स फिलहाल क्लियर करके साफ करके लगा रहे हैं, एडजस्ट बाद में करेंगे सबको। नीचे वाला ये एरिया भी क्लीन किया है, तुलसा जी को शिफ्ट करा रही हूँ, बहुत बढ़ गई हैं। इनिशियली तो बहुत छोटा था ये प्लांट, लेकिन अब बहुत बढ़ गया है, तो तुलसा जी की राइट प्लेस वहाँ है उस कॉर्नर में। पहले का गमला भी मेरा वहाँ है, एंड आंकड़े वाला तोड़ के गए कल बंदर, वो आंकड़े वाला टूट गया है राजू। ये लाएंगे बार 16 इंच। हाँ, ये वाला लो। सुनो, स्कूल क्यों नहीं गई? कोई छुट्टी नहीं है, अश्मी गई है स्कूल। फंस गया तुम्हारा फोन, फंस गया प्लांट में, प्लांट ने पकड़ लिया तुम्हारा फोन, उसे चाहिए फोन, दे दो उसको, दे दो उसको, उसको प्लीज करो, प्लीज बोलो उसको, प्लीज बोलो, छोड़ दो मेरा मोबाइल, छोड़ दो मेरा मोबाइल। मैं गुच्छा हूँ, बस मुझे पता था तुम आ जाओगी। अच्छा छुनो, स्कूल क्यों नहीं गई? अभी मैं छुट्टी है। छुट्टी नहीं है, अश्मी गई है। कैसे गई है? उसको ताई जी लेके गई है, अश्मी को स्कूल लेके गई है, तुम क्यों नहीं गई? पूछो ये सब क्या कह रहे हैं? सब सही कर रहे हैं। खिंच गई? और बस उसके बाद मैं आ गई थी जल्दी से मेरी किचन में, क्योंकि बहुत लेट हो गया था बाहर बैठे बैठे, और लंच टाइम होने वाला था आलोक के आने का। मैंने जल्दी से खाना बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि सीधा मैं उठ के अंदर से अपने बेड पर से और बाहर चली गई थी उसके साथ काम करने और करवाने, और वही काम करते करते मुझे 2-2.5 घंटे निकल गए। और जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो बहुत ही कम टाइम बचा है, तब मैं भागते हुए अंदर आई और जल्दी जल्दी मैंने मेरे किचन वर्क को कम्प्लीट किया, लंच बनाया, बस खाना बना और मैं खाना लेके बाहर आ गई, क्योंकि राजू अभी गया था प्लांट्स लेने। और हालत देखिए क्या हो रखी है। Hey guys, welcome back to my channel. It's 3:30 और मैं अभी तक शावर नहीं ले पाई हूँ, एंड आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू टेक शावर टुडे, क्योंकि वैसे ही शाम हो गई ऑलमोस्ट, 3:30 से भी शायद ज़्यादा ही हो गए, क्योंकि आधार भी निकल गया अपनी कोचिंग के लिए। आई न्यू कि मुझे टाइम लगेगा, लेकिन इतना टाइम लगेगा, बाप रे बाप। मैं बस किचन में गई हूँ, फटाफट से मैंने लंच बनाया है, रोटी भी नहीं बना पाई और आलू का गए, एंड देन वापस मैं यहाँ पर आ गई, क्योंकि तब तक वो गमला लेने और एक प्लांट लेने चला गया था, एंड देन ही केम बैक, और उसके बाद वापस से, क्योंकि अगर मैं यहाँ छोड़ देती तो फिर मेरे हिसाब से काम नहीं होता, और बहुत सारी जगह मुझे उसकी हेल्प भी करनी पड़ी। मैं खाद डलवाती हूँ, दवाई डलवाती हूँ, ये गुड़ाई करता है,
और प्लांटेशन अब बहुत ज़्यादा हो गया है, गमले बड़े बड़े वाले हो गए हैं, वो वाइट वाले गमले सारे बहुत बड़े बड़े हैं और उन सब में एक में तीन तीन प्लांट्स लगे हुए हैं और प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, टचवुड वो, और बाकी भी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। कुछ के मर गए थे पौधे और कुछ में ये था कि बहुत ज़्यादा पत्ते वगैरह भरे हुए थे। कुछ साल पहले तक जब मेरा घर बना था इनिशियली, नव्या वॉज टू यंग, आधार नहीं था, तब तक मैं सारा काम खुद से करती थी, प्लांट्स खुद लेके आती थी, ड्राइव करके जाती थी, प्लांट्स खुद लेके आती थी और पॉट्स लाती थी, सब खुद करती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने छोड़ दिया ये, क्योंकि बिकॉज ऑफ माई आई प्रॉब्लम मैंने ड्राइविंग को भी कम कर दिया और फिर ये मिल गया हमको, तब तक ये अवेलेबल नहीं था। अब ये आ जाता है महीने में एक बार, तो मेरा काम हो जाता है। लाइफ का थोड़ा अपडेट दे देती हूँ मैं आपको। हमारे घर आ गई है एक नई वॉशिंग मशीन, एक नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम का एड ऑन हो गया है हमारे घर में। और मतलब वॉशिंग मशीन पहले से थी वो वाली, लेकिन वो सेम ही थी और आलू को बहुत टाइम से जची हुई थी कि उनको फुली वाली लेनी है, फुली वाली लेनी है। बेचारी मेरी अच्छी वाली मशीन है, वो रखी है अभी वहाँ उठा के, तो इसको भी मैं सेल आउट कर रही हूँ। और सेकेंड अपडेट ये है कि हमारी नव्या की जो जॉब लगी थी वो भी मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था, यस उसकी जॉब लग चुकी है और उसका 3 महीने का इंटर्नशिप पीरियड चल रहा था, वो कंप्लीट हो गया, उसकी जॉब कंफर्म हो गई एंड देन शी गॉट हर फर्स्ट। बच्चे खेलने के लिए आ गए हैं शाम को, इतनी लेट हो गया है। शी गॉट हर फर्स्ट सैलरी यस्टरडे, शी रिसीव्ड एंड शी सेंट अ केक, वो हमने कट किया सारे छोटे छोटे बच्चों को साथ बुला के। क्योंकि सबकी बुआ है वो इन छोटे वाले चिल्लर पिल्लर की आधार के अलावा। सो ये दो अपडेट हैं हमारे फिलहाल के, ये पिछले 7-8 दिनों के। ये जो गमला था इसकी बेल पूरी बढ़ चुकी थी और वो यहाँ इस जगह पर था और पूरी ऐसी मैस्ट हो रखी थी, तो उसको वहाँ करके अभी चढ़ा के और बांध दिया है। बाकी मैं इसको एक बार वॉश करूँगी पाइप लगा के, तो ये और अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। इस एरिया में सब प्लांट्स ठीक किए गए हैं, नीचे का ये एरिया पूरा क्लीन किया गया है हर प्लांट को, टाइम टाइमली ज़रूरत पड़ती है इन सब प्लांट्स को। एंड दिस इज़ द अनदर एरिया, यहाँ पर भी ये बहुत सारे प्लांट्स हैं, ये बेल भी बहुत बढ़ गई है, लेकिन सबको एक बार मुझे वॉश करने की ज़रूरत है पाइप लगा के। एंड दिस इज़ माय रूम, आप देखो कि मेरे कमरे के रजाई भी वैसी पड़ी हुई है, वो तक नहीं ठीक कर पाई थी मैं, और हम बस आराम से बैठे हुए थे कि ठीक है उठेंगे अभी, एंड देन वहाँ से जो उठे हैं तो अभी तक अंदर पहुँच ही नहीं पाए। ये है स्थिति आज की, और अभी मुझे इस रैंप का भी जीवन थोड़ा सुधारना है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी क्लटरिंग हो रखी है। ये टाइल्स पड़ी हुई हैं यहाँ पर घर बनने के बाद से, ये एक बक्सा मैं मथुरा से लेके आई थी, पता नहीं क्यों लेके आई थी, वो पड़ा है, इतने सारे स्विच बोर्ड्स जो निकले थे वो पड़े हुए हैं, और इस लड़के की कल बर्थडे है लेकिन मैं इसको कोई गिफ्ट नहीं दूंगी। क्यों? पापा ने मना किया है। पापा ने मना नहीं किया। साइंस किट? हाँ, देखो एक बार अमेज़न पे, चलो उधर चलो, अब तुम्हारे साथ अमेज़न खोल के बैठ जाएंगे, काम धाम नहीं करें हम, घर की हालत देखो। तुमने अपना गेम चूज कर लिया? वाओ, कौन सा? बैटलशिप। बैटलशिप, लेकिन अगर चाचा ने कहा कि काव्यांश नहीं खेल पाएगा तो फिर नहीं मंगाऊंगी। कल मेरा बर्थडे है और कल ये सारे लोग मेरे को गिफ्ट देने आए हैं। तो जी अगले दिन की है ये कुछ क्लिपिंग्स, हमने बनाया था लंच में आज, बहुत दिन से मन कर रहा था आलू मटर गोभी डाल के, और खड़े मसाले कूट के जो डालते हैं ना वो वाला पुलाव, गरम गरम बहुत ही टेस्टी लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है। ढेर सारी गोभी ऐड करती हूँ मैं इसमें। Happy birthday to you. Thank you. परचू. God bless. और गए ताऊ कह रहे, नहीं नहीं बंदर। Good afternoon. It's another day in the afternoon.
और इतने सारे बंदर आए हुए हैं कि हमको यहीं बैठा रहना पड़ रहा है, क्योंकि अगर हम यहाँ से चले गए तो वो यहाँ बरामदे में आ जाएंगे, गदर काटेंगे, गंदगी मचाएंगे, प्लांट्स तोड़ेंगे जो हमने कल इतनी मेहनत से सेट करे हैं। तो अभी हम यहीं बैठ गए हैं धूप में ही। आज है काव्यांश चतुर्वेदी का हैप्पी बर्थडे। गुड इवनिंग, आई एम रेडी फॉर काव्यांश बर्थडे और मैं जा रही हूँ फटाफट से ऊपर क्योंकि मैं हो गई हूँ लेट। वो बैठेगा चौक पर। तब तक लड़की खा गई केक पूरा। सारी मधुमक्खियां है ना शहद पे आ गई हैं। आई स्वरा, आई स्वरा, स्वरा अरे राम। मैं आज भी रोऊंगा, मैं पिछली बर्थडे पे भी रोया था। कलेश हो गया, कलेश हो गया। क्योंकि सौरभ ने शगुन जी नहीं है बोली थी सब लड़कियां। तो ये था काव्यांश का मजेदार सा बर्थडे सेलिब्रेशन और इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई रियली होप आपको पसंद आया होगा। टेक केयर, खुद का ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए।